कुछ पीपल, वेलकम अगेन। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं जहाँ जहाँ न्यू जगह जाऊँगी वहाँ एक ब्लॉग बनाऊँगी, तो मैं फिर से रेडी हो चुकी हूँ। और आज हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ तो ट्रेंडिंग चल रहा है अभी, ऑलरेडी ट्रोल भी हो चुका है। जी हाँ, कॉफ़ी हाउस, न्यू टाउन का न्यू कॉफ़ी हाउस, आज हम लोग वहाँ ही जाने वाले हैं। सो मैं अभी यहाँ मोटो के लिए इंतज़ार कर रही हूँ अपने घर के गली के सामने, क्योंकि मुझे बस रूट ज़्यादा पता नहीं है तो मैंने रिस्क नहीं लिया है, डायरेक्ट मोटो कर लिया है। और सब दोस्त उधर ही मिलेंगे, सब यानी कि सिर्फ तीन ही जा रहे हैं मेरे साथ, तो वो लोग डायरेक्ट उधर ही मिलेंगे, तो उधर ही जाके मिलते हैं। बाय बाय। मैं फाइनली पहुंच चुकी हूँ कॉफ़ी हाउस न्यू टाउन, जो कि बिल्कुल मेरे सामने है। लेकिन इतना लाइन है और इतना क्राउड है, मतलब पता नहीं कब तक अंदर जा सकेंगे। अभी 4:30 बजने वाले हैं, आई डोंट नो, आप खुद ही देखो इतना क्राउड है, लाइन देखो सिर्फ आप। और फिर अंदर और अलग से है, मतलब मुझे तो पता नहीं कि कब तक अंदर घुस पाएंगे। तो ऑलरेडी लाइन में धीरज है और अभी और दो अभी तक नहीं आए, मैं उसके पास जा रही हूँ। ये है धीरज। हाय, कैसा लग रहा है इधर आके? क्यों बहुत देर से लाइन में? तो क्या हुआ? ये रहा एंट्रेंस, एंट्रेंस के करीब है हम लोग, लेकिन अंदर भी वेटिंग चल रहा है। मतलब इतना लाइन, मतलब मैं आई हूँ उसके बाद ही इतना लाइन हो चुका है और अभी अंदर घुसे भी नहीं है। और अंदर तो और भी है वेट, मैं दिखाती हूँ आप सबको। बिल्कुल सामने खड़े हैं हम लोग और अभी भी नहीं हुआ। ये है तोमालिका। हाय तोमालिका। ये है धीराज। हाय धीराज। ये है बिले। ए बिले, हाय। अरे दूर। 5:10 बजे है अभी और अभी तक एंट्रेंस के सामने ही वेट कर रहे हैं, और फिर जाके वेटिंग जोन में टोकन लेके वेट करना पड़ेगा। मतलब लाइट भी पीछे चल गया है, देख सकते हो आप लोग। मैं आप लोगों को पर्सनली सजेशन दूंगी कि अभी आप लोग मत आओ, इतना क्राउड है, इतना लाइन है, हम लोगों को पता नहीं था हम लोग आ चुके हैं। प्लीज़ हमारी तरह आप लोग गलती मत करो, क्योंकि इतना क्राउड, इतना लाइन। तो अभी सीधा अंदर जाके आप लोगों के साथ मिलती हूँ। So finally, अंदर गए अब। Finally we are in. Yes. At last. लेकिन अभी भी वेट करना पड़ेगा, टोकन मिलेगा चार। ये अभी अंकल टोकन देंगे हम लोगों को। ये रहा, मिला है टोकन। 719 टोकन नंबर। हाँ, फाइनली अंदर तो घुसे हैं, लेकिन यहाँ वेटिंग जोन में वेट करना पड़ेगा और फिर जाके अंदर जा सकेंगे। देख सकते हो आप पीछे। ओ इधर।
एज यूजुअल अभी हम लोग यहाँ वेटिंग जोन में वेट कर रहे हैं और ये रहा कैसे बहुत देर से वेट कर रहे हैं हम लोग। खाने को घंटा नहीं मिलेगा तुमको? नहीं मिलेगा भाई, पानी पी लेना जाके। अच्छा लग रहा है इधर आके। सो अभी फाइनली हमारा टाइम आ गया है तो चलो। कॉफी हाउस के अंदर हम लोग घुस चुके हैं और अभी 6 बजे है, मतलब पूरे 2 घंटे के बाद हमें अंदर आने को मिला है। और अभी अभी मैं ऊपर हूँ, आप देख सकते हो, और ये रहा नीचे, देखो एम्बियंस बहुत अच्छा है, एक सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा है अभी, मतलब ओवरऑल बहुत ही अच्छा है। एंड अभी मैं जा रही हूँ, पहले मैंने पूरा घूम लिया जगह और अभी मैं नीचे जा रही हूँ, वो लोग सब वेट कर रहे हैं इधर। सो बाय बाय, हम लोग कुछ खाना ऑर्डर करेंगे फिर आप लोगों से मिलते हैं। बाय। अभी हम लोग यहाँ अपने खाने के लिए वेट कर रहे हैं। हम लोगों ने 4 कोल्ड कॉफ़ी, उन लोगों के लिए 2 सैंडविच और हमारे लिए चिकन हक्का नूडल्स ऑर्डर किए हैं एंड इसी के लिए इंतज़ार है। तो ये अभी क्या कर रहा है फ़ोन में पता नहीं, ये लोग सेल्फी क्लिक कर रहे हैं। कहाँ लिखा? So, खाने के लिए इंतजार करो। खाना आ चुका है, ये रहा कोल्ड कॉफ़ी और ये रहा हमारा हक्का नूडल्स चिकन। लेकिन ये लोग, इन लोगों का हालत तो देखो, एक छोटा सैंडविच, एक सैंडविच पकड़ा गया, देखो स्कैम 2020 स्कैम हो गया, सच में स्कैम। मैं सोची कि कुछ धंका देंगे लेकिन चलो कोई नहीं, 2 घंटा लाइन के बाद इतना बड़ा स्कैम, 2 घंटा लाइन के बाद, 2 घंटा लाइन के बाद इतना बड़ा स्कैम हो गया हमारे साथ। इन दोनों को तो सबसे बड़ा झटका लगा था सैंडविच ऑर्डर कर बिले को, तो देखो हजम ही नहीं हो रहा है। और ये हक्का नूडल्स खाने में इतना बिजी है, मैं भी खा रही हूँ थोड़ा सा, देख लो आप सभी। और कभी नहीं आना है इधर, बस एक बार ही खा लो। ये तो फिर भी खाने में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं और ये मैंने कोल्ड कॉफ़ी पी ली एंड मैं अभी हाई बोलूँगी। सो हमारा खाना ऑलमोस्ट डन हो चुका है एंड
लोगों का बहुत पहले ही हो चुका है, वो लोग अभी कोल्ड कॉफ़ी पी रहे हैं, मेरा कोल्ड कॉफ़ी तो मतलब मैंने ऑलमोस्ट ख़त्म कर ही दिया। ज़रा ग्लास दिखाओ। स्कैम। सो अभी 7:30 बजने वाले हैं और हम लोग अभी निकल रहे हैं। ऑलरेडी ऊपर में बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक किए हम लोगों ने एंड फाइनली टाटा बोलने का वक्त आ चुका है। बाय बाय। सायोनारा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बागुहाटी, ऑटो में हैं और फिर बागुहाटी से सब अपने अपने घर जाएंगे। बाहर बहुत ठंड है, ऑलरेडी हम लोग जम गए हैं, इतना ठंड है। हालत तो देखो इसकी। अप्पा जो थे तुम्हारे वो बीच छोड़ के चले गए थे, इतना ठंडी है, ठंडा है। मेरा सबसे हालत खराब है इसकी, कुछ नहीं पहना बेचारे, ये भूल गया, ठंडा आ गया। सोच रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में। गाइस मैं अभी अपने घर आ चुकी हूँ, अभी 8:25 बजे है। तो अभी मेन पॉइंट पे आते हैं, जो उधर की फूड रिव्यू कैसी है, एम्बियंस कैसा है। तो एम्बियंस मेरी तरफ से मैं 100 out of 100 दूंगी, लेकिन जो फूड क्वालिटी है या फूड क्वांटिटी है वो बहुत ही एवरेज था। मतलब सिर्फ चलता है वैसा, मतलब एम्बियंस के हिसाब से जो फूड हम लोग सोच रहे थे, एक्सपेक्ट जो किया था वैसा नहीं है। तो एक बार जाओ ठीक है, इतनी दूर है ऊपर से, मतलब ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम होती है, सब कुछ अवेलेबल नहीं होता है। वो हम 4 थे इसीलिए हम लोगों ने ऑटो किया, तो 50-50 दे के आ गए घर। लेकिन अकेले के हिसाब से मतलब बहुत ही महंगा है, तो ठीक है। और मैंने जैसे आपको कहा कि आप लोग अभी मत जाओ, क्योंकि 2 घंटा लाइन देखकर फिर वेटिंग जोन में वेट करके फिर जाओ, तो उसके हिसाब से अभी मत जाओ, कभी और टाइम पे जाओ, एंजॉय करो, 1 time इज ओके। तो टोटल मेरी तरफ से यही ओपिनियन था मेरा। तो आज का व्लॉग मैं यही एंड कर रही हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आगे भी और नए नए वीडियोज़ बनाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय। Love you, kuch kuch people. Mwah.